स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय देवरकंडा की आज तक की सभी मूवीज़ के बारे में और उनमें से कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है और कौन सी फ्लॉप। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे 2020 में विजय देवरकंडा की कौन सी मूवी आ रही है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिरी तक ज़रूर देखना। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है पहली चप्पलू। इस मूवी के लीड रोल में थे अभय, अनिशा, रितु वर्मा एंड विजय देवरकोंडा। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 जुलाई 2016 को। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ और इस मूवी का टोटल कलेक्शन था 25 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है द्वारका। इस मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे विजय देवरकंडा एंड पूजा जाभरी। ये मूवी रिलीज हुई थी 3 मार्च 2017 को। इस मूवी का करेक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो हमें नहीं मिला, अगर हम कुछ वेबसाइट की माने तो इस मूवी का बजट था 3 करोड़ और इस मूवी का टोटल शेयर कलेक्शन था 1.8 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है अर्जुन रेड्डी। इस मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे विजय देवरकंडा एंड शालिनी पांडे। ये मूवी रिलीज हुई थी 26 अगस्त 2017 को। इस मूवी का बजट था 6 करोड़ और इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 25.8 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है ये मंत्रम भैसाबे। इस मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे विजय देवरकंडा एंड शिवानी। ये मूवी रिलीज हुई थी 9 मार्च 2018 को। इस मूवी का टोटल कलेक्शन था 98 लाख। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है टैक्सी वाला। इस मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे विजय देवरकंडा, प्रियंका ज्वालकर एंड मालविका नायर। ये मूवी रिलीज हुई थी 17 नवंबर 2018 को। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ और इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 21.55 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डबल ब्लॉकबस्टर थी। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है नोटा। इस मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे विजय देवरकंडा एंड मेहरीन प्रिजेडा। ये मूवी रिलीज हुई थी 5 अक्टूबर 2018 को। इस मूवी का बजट था 25 करोड़ और इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 12.55 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है गीता गोविंदम। इस मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे विजय देवरकंडा एंड रश्मिका मंडेना। ये मूवी रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2018 को। इस मूवी का बजट था 15 करोड़ और इस मूवी का टोटल कलेक्शन था 70 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है डियर कॉमरेड। इस मूवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे विजय देवरकंडा एंड रश्मिका मंडेना। ये मूवी रिलीज हुई थी 26 जुलाई 2019 को। इस मूवी का बजट था 33 करोड़ और इस मूवी का टोटल कलेक्शन था 20 से 25 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। विजय देवरकंडा की और एक मूवी है येवाड़े सुब्रमण्यम। ये मूवी रिलीज हुई थी 21 मार्च 2015 को। इस मूवी का सही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने इस मूवी को इस लिस्ट में नहीं रखा हूँ। अब हम आपको बताते हैं 2020 में विजय देवरकंडा की कौन सी मूवी रिलीज हो रही है। जो मूवी 2020 में रिलीज होगी उस मूवी का नाम है वर्ल्ड फेमस लवर। इस मूवी के कास्ट और रिलीज डेट के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है विजय देवरकंडा की टोटल 8 मूवीज का लिस्ट, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप विजय देवरकंडा की मूवीज़ को हिंदी में देखने के लिए वेट कर रहे हैं या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर यस या फिर नो कमेंट करके ज़रूर बताना।